धौलपुर जिले में सेपो सर्कल क्षेत्र के बसई नवाब गांव में सियार के आधा दर्जन बच्चे मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सियार के बच्चे बसई नवाब गांव के बंद पड़े नाले के पास इधर उधर घूम घूम कर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ग्रामीणों को जैसे ही जंगली जानवर के बच्चों की जानकारी मिली तो तत्काल उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सियार के बच्चों का रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम ने सकुशल सियार के बच्चों को पिंजरे में बंद कर पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराया। वन विभाग की टीम बीती रात करीब 1 बजे वापस बच्चों को लेकर बसई नवाब गांव के बंद पड़े नाले के पास पहुंची और बच्चों को पिंजरे से बाहर निकालकर उनकी निगरानी करने लगी। बीती रात करीब 2 बजे के आसपास मादा सियार वहां आई और बच्चों को अपने साथ जंगल में ले गई। धौलपुर के सेपो नाके के अधीन नवाब बसई गांव पड़ता है, वहाँ किसी ग्रामीणों द्वारा उप संरक्षक धौलपुर को सूचना दी गई कि नवाब बसई के पास एक नाला है, वहाँ पर वन्य जीव के जानवर है, मौके पर है। उस सूचना के पश्चात डीएम में हम लोग हमारी टीम लेकर और पहुंचे नवाब बसई गांव के पास मौके पर, तो वहां देखा कि 6 छोटे सियार के बच्चे मौजूद थे जिन्हें हमारे द्वारा टीम द्वारा रेस्क्यू करके नाका सेबों में लाया गया और वहाँ रात्रि में लगभग 1 बजे के लगभग उनको वापस सकुशल स्वस्थ होने पर उनका डॉक्टरी मुआयना करवाकर वापस मौके में छोड़ा गया और उसके पश्चात वहाँ मादा सियार द्वारा उन बच्चों को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ निकल गई है।